आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 30वां अध्याय वचन 13 से 26। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं नोप में से मूर्तों का नाश करूंगा और उसमें की मूर्तों को रहने न दूंगा। फिर कोई प्रधान मिस्र देश में न उठेगा और मैं मिस्र देश में भय उपजाऊंगा। मैं पत्रोस को उजाड़ूंगा और सोअन में आग लगाऊंगा और नो को दंड दूंगा। सीन जो मिस्र का दृढ़ स्थान है उस पर मैं अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा और नो की भीड़भाड़ का अंत कर डालूंगा। मैं मिस्र में आग लगाऊंगा, सीन बहुत थरथराएगा और नो फाड़ा जाएगा और नोप के विरोधी दिन दहाड़े उठेंगे। आवेन और पीसेवेद के जवान तलवार से गिरेंगे और ये नगर बंधुआई में चले जाएंगे। जब मैं मिस्रियों की जुओं को तहपनहेस में तोड़ूंगा तब उसमें दिन को अंधेरा होगा और उसकी सामर्थ जिस पर वह फूलता है वह नष्ट हो जाएगी, उस पर घटा छा जाएगी और उसकी बेटियां बंधुआई में चली जाएंगी। इस प्रकार मैं मिस्रियों को दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर 11वें वर्ष के पहले महीने के 7वें दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने मिस्र के राजा फिरौन की भुजा तोड़ दी है और देख, न तो वह जोड़ी गई न उस पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई कि वह बांधने से तलवार पकड़ने के योग्य बन सके। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देख, मैं मिस्र के राजा फिरौन के विरुद्ध हूँ और उसकी अच्छी और टूटी दोनों भुजाओं को तोड़ूंगा और तलवार को उसके हाथ से गिराऊंगा। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को संभालूंगा और फिरौन की भुजाएं ढीली पड़ेंगी, तब वे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मैं बेबीलोन के राजा के हाथ में अपनी तलवार दूंगा तब वह उसे मिस्र देश पर चलाएगा और मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितरा दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ।